2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा अपना इस्तीफा सौंप दिया गया है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के भाजपा में शामिल होने को लेकर मैं मुरादाबाद के लोगों से बात करूंगा। क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, जैसे वर्तमान स्थिति अभी है देश में और लोकतंत्र पर बराबर हमले हो रहे हैं, तो बीजेपी के लिए उन्हें शामिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बीजेपी ये भी देखिएगा, अभी हाल ही में जो स्वामी जी के जो बयान आए हैं वो किस वर्ग को प्रभावित कर रहे थे। अगर वो उनके जोड़ने से वो अपने बयान वापस लेते हैं तो बीजेपी के लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। और जैसे देश में राय है, एक आम राय है कि बीजेपी तो एक ऐसा वॉशिंग पाउडर, एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि उसके अंदर इधर से अपराधी या विवादित आदमी डालो और इधर से निकालो तो वो स्वच्छ होकर निकलता है। तो बीजेपी उनको शामिल करने से पहले बहुत सारे फैक्टर पे, मुझे नहीं लगता कि बिना मंथन किए उन्हें ले लेगी, क्योंकि मंथन की आवश्यकता है। और अभी स्वामी जी के द्वारा जिस तरीके से बहुत जो अपर कास्ट के बारे में और देवी देवताओं के बारे में विवादास्पद टिप्पणियाँ उनकी आई हैं और पूरे भारतवर्ष के टीवी चैनलों ने दिखाया है, तो मैं तो जहाँ तक मेरी अपनी राय है बीजेपी बचेगी। लेकिन अगर वोट का कुछ उनके जोड़ने से जुड़ जाते हैं तो हो सकता है कि भाई वो क्लीन कर लें। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा समाजवादी पार्टी के अपने पद से इस्तीफा सौंपा है, क्या कुछ सोचते हैं? क्या भाजपा में उन्हें शामिल होना चाहिए, क्या भाजपा में जाना चाहिए? देखिए, ये जो मौर्य जी हैं इनका तो यही काम है, कभी समाजवादी में कभी बसपा में, तो कई दफ़ा पिछले कई सालों से दल बदलू हो ही रहे हैं और बीजेपी भी ले ही रही है, बीजेपी ले ही लेगी ना, ले लेना चाहिए पुराने नेता। और भी लोग हैं जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा लगातार बयान दिए जा रहे थे और कई बयान ऐसे हैं जिसको लेकर कई विवाद खड़े हुए हैं, अब उन्होंने सफल इस्तीफा सौंपा है, क्या कुछ कहना है? देखिए, ये तो पार्टी का अपना निर्णय होगा, हाईकमान का, उन्हें लेने का ना लेने का, मैं इसकी इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। जिस तरीके से बयान दिए गए थे, क्या कुछ सोचते हैं आप? कहीं ना कहीं अब पार्टी अपना खुद निर्णय लेगी कि इनके आने से बेहतर रहेगा नहीं रहेगा, पार्टी अपना हाईकमान जो भी इसके बारे में निर्णय लेगा। जी, 24 के चुनाव नज़दीक हैं, उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा लगातार बयान दिए जा रहे थे, अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, अभी अरविंद जी ने ही तो ये संभावना व्यक्त की है, उन्होंने ही कहा है इस बात को कि ले सकते हैं। और आप भी जानते हैं कि फैसला, जो निर्णय होगा वो फाइनल निर्णय तो पार्टी का ही होता है, और बसपा में भी रहे और सपा में भी रहे, अब वोट बैंक के, अब कितना वोट बैंक उनसे खींच सकता है ये पार्टी कैलकुलेशन लगाएगी, उसी हिसाब से अगर वो पार्टी को लगता है कि वोट बैंक वाली राजनीति अगर आ जाती है तब तो पार्टी अपना ले लेगी इनको, और उनको लगता है तो पार्टी नहीं भी ले सकती है। अभी कुछ निर्णय नहीं है, जो निर्णय होगा फाइनल वो पार्टी का ही होगा। तो अगर उनके साथ वोट बैंक अच्छा लगेगा पार्टी को, क्योंकि आप भी जानते हैं वोट बैंक की राजनीति है, लगेगा कि हाँ इनके, उनको लेने से फ़ायदा है, हमें वोट हमें मिलेगा, तो उनको जो है ले लेना चाहिए। और अगर उनको नहीं लगेगा तो नहीं लेंगे, अभी कोई क्लियर तो है नहीं, केवल एक संभावना व्यक्त की गई है, अरविंद जी ने कहा है कि ले सकते हैं, बाकी फाइनल निर्णय तो पार्टी का ही होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद मुरादाबाद जनपद में लोगों से बात की गई है, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की भाजपा में शामिल होने की अड़कलें लगाई जा रही हैं उसको लेकर लोगों द्वारा अपनी बात कही गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।